जनूबी पंजाब में नमूनिया बेकाबू, बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 2 साल का बच्चा, जहां वक्त बच्चे को चेस्ट इंफेक्शन के बाद 4 रोज कबल अस्पताल लाया गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 मरीज रिपोर्ट, गैस्ट्रो भी आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में 151 मरीज रिपोर्ट हुए। तुरंडा मोहम्मद पनाह में डॉक्टर की मुबैना गफलत ने मासूम बच्ची की जान ले ली। गलत इंजेक्शन लगने के बाद 6 साल बच्ची जहां बाग, वरसा का डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब में गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशात पंजाब सरकार को अरसाल कर दी। हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफार्मर पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हुजम 100 अरब रुपए से ज्यादा मुकर करने की तजवीज। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नादरा की एक बड़ी ब्रांच फंक्शनल होने को तैयार। मुल्तान के गुंजान आबाद इलाके चौक कुम्हारा वाला के नादरा सेंटर को एमएजना रोड पर मुंतकिल कर दिया गया। सेंटर को सुबह से फाल कर दिया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुले रद्द अमल का इजहार। प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने पेट्रोल डीजल को मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत मजीद रिलीफ फराम करे, बिजली की कीमत में भी कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाने का अजम, कमिश्नर मुल्तान का अशिया कुरनोश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मॉनिटरिंग का हुक्म, हुकूमती रिलीफ के समरात आवाम तक पहुंचाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्टर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को तलब कर लिया। उधर रहीम यार खान ने इंतजामिया की ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग तय। मुल्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर, बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक लग गई। भिंडी और टींडे 40 रुपए सस्ते, अरबी 400 रुपए से कम होकर 320 रुपए किलो, टमाटर 40, आलू प्याज और हरी मिर्च 100 रुपए में दस्तयाब। सिराफा बाजारों में सोना 2400 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट की कीमत 2,43,000, 22 कैरेट 2,22,750 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,710 रुपए मुकर्रर। बक्कर में केपी और पंजाब को मिलाने वाला क्लोर कोट पुल का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। अप्रोच रोड ताहाल तामीर ना हो सके, जिम्मेदारों का वजीर आला पंजाब से पुल जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा। ईसा खेल के रेस्क्यू सेंटर में फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौजूद नहीं। शहरी कहते हैं पहले एम्बुलेंस की तादाद 4 थी, अब 2 है। मुतअद्दिद वाकयात में करोड़ों का नुकसान हो चुका है, वजीर आला फौरी नोटिस लें। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों नादहिंगान के खिलाफ ऑपरेशन, एक रोज में मजीद 138 बिजली चोरी करते पकड़े गए। 106 मुकदमा दर्ज, 78,72,000 रुपए जुर्माना आयद, 10 लाख मौके पर वसूल। मेपको टीमों ने मीटर्स, तारें और ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। लोधरा में 2 माह के दौरान 60 बिजली चोर गिरफ्तार। मुल्तान में टैक्स चोर एफबीआर के रिडार पर आके, बोस्टिन रोड पर कार्रवाई, लाखों रुपए की टैक्स चोरी पर मारूफ क्लॉथ हाउस सील कर दिया गया। बहावलपुर सरसादिक अबासी अस्पताल में ताजीन और आइश का काम शुरू, 5 करोड़ रुपए के फंड जारी। गुज़िश्ता 10 साल से मामूली नोयत के काम रुके हुए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जहानिया के एमएनए चौधरी इफ्तिखार नजीर की मुलाकात, किसानों के मसाइल और इलाके की तरक्की के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि किसानों के मसाइल और तरक्याती काम जल्द शुरू किए जाएंगे।
सरगोधा के शहरी हो जाएं होशियार, ट्रैफिक पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बगैर हेलमेट कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर नमूना नंबर प्लेट और काले शीशे तोड़ दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब भर में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात तुलबा का जोश और खरोश तीतनी था। 2102 हाई और 2475 मिडिल स्कूलों में इलेक्शन हुए। तकरीबन 8 लाख से ज्यादा तुलबा तालिबात ने वोट कास्ट किया। बच्चों के इंतखाबात कौमी और सूबाई इलेक्शन की तर्ज पर करवाए गए। पंजाब में एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायद अकेडमी और पीईसी अथॉरिटी के मातहत काम करेंगे। सूबाई वजीर तालीम की सरबराही में कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर मुल्तान ने पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे स्लोगन को अमली जामा पहना दिया। तालीम से महरूम बच्चों को मियारी स्कूलों में पढ़ाने का ख्वाब पूरा। जिला एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहदा तय। बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ते तकसीम। पहले फेज में 6 बच्चे ब्रिटेन स्कूल में दाखिल। चौबीस मई को नवाब सर सादिक की बरसी के मौके पर मुकामी छुट्टी होगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी पंजाब भर में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात तुलबा का जोश और खरोश तीतनी था। 2102 हाई और 2475 मिडिल स्कूलों में इलेक्शन हुए। तकरीबन 8 लाख से ज्यादा तुलबा तालिबात ने वोट कास्ट किया। बच्चों के इंतखाबात कौमी और सूबाई इलेक्शन की तर्ज पर करवाए गए। पंजाब में एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायद अकेडमी और पीईसी अथॉरिटी के मातहत काम करेंगे। सूबाई वजीर तालीम की सरबराही में कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर मुल्तान ने पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे स्लोगन को अमली जामा पहना दिया। तालीम से महरूम बच्चों को मियारी स्कूलों में पढ़ाने का ख्वाब पूरा। जिला एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहदा तय। बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ते तकसीम। पहले फेज में 6 बच्चे ब्रिटेन स्कूल में दाखिल। चौबीस मई को नवाब सर सादिक की बरसी के मौके पर मुकामी छुट्टी होगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।